अब ऐसी औरत को भाषा प्रदीप की दुल्हन बोले क्या? कहा बोले हम इसको, इसको दुल्हन नाम है हटा देना चाहिए। मकदमा तो माथा गरमा गया। ऐसी औरत होती है भला, बस अब एक मासूम बच्चे के बस मुंह में कपड़ा ठूक दिया जाता है, जमीन में गड़ दिया जाता है और बकायदा मट्टी से मूंद दिया जाता है। ये तो हदय पार हो गई। देवा थाना पड़ता है और गाँव बस अब टिकुर्जी पड़ता है। 3 बरस मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। माँ बिचारी इंतजार में बैठी रहती है। बकायदा शाम के 5 बजे बस अब घर से छोटा सा नन्ना सा बच्चा बस अब जाता है सरफ की दुकान पर। ना जाने बस अब दुकान पर काल गिरने जाता है, लेकिन सब सामान लेकर वापस नहीं लौटता। माँ इंतजार करती है, माँ रात देखती है, माँ पुलिस का सहारा लेती है। पुलिस का सहारा लेने के बाद बस पता चलता है सामने भाषा ऐसी दर्दनाक तस्वीर आते कि माथा गरमा जाएगा। हमारे मुंह से नहीं निकला शब्द भाषा, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ और बकायदा गला दबाया हुआ, मट्टी से भाषा सब निकलता है। 3 बरस मासूम बच्चे का सब देख भाषा गाँव भर में सनसनी फैल जाती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से इससे बड़ी खबर बोलो या दर्दनाक खबर बोलो या सनसनी खबर बोलो, कहा बोले पुलिस भाषा ना जाने कब कार्रवाई करेगी। वैसे भाषा कोतवाल साहब से आदर्श रावत ने बात की थी तो बता रहे थे भैया एक को गिरफ्तार किया गया, दूसरा फरार है गया, ना जाने कहा कुछ कहा नहीं जाएगा। पर माँ की समस्या सुनो भाई साहब, माँ का नाम गीता है और 3 बरस मासूम बच्चे को खो चुकी है। इसके आंसू तक सूख चुके हैं जो बकायदा भाई साहब 3 बरस नन्हे से बच्चे को 9 महीना पेट में रखे। अब कहा बोले खुद सुन लो। कहाँ रहती है? अच्छा कहाँ, थाना कौन सा लगता है? देवा। देवा। क्या हुआ है आपके यहाँ? यहाँ से लड़कर लेके हम आर्टिस प्रदीप की दुल्हन। किसने? प्रदीप की दुल्हन। हाँ मार्डर से हम सब ढूंढा के है ना, इसे बच्चा हमारा नहीं मिला। कब गायब हुआ था? 4:30 बजे कल से गायब हुआ है। अच्छा हम पकड़े चले ना इधर से, हमारे भैया हम पे ऐसे गए हैं इधर से आप पकड़ ले गए हैं भैया मोहरे ही से पकड़ ले गए मोहरे खींच भी तरह मार डर से मार का कपड़ा मुहिमा गूंज से तक नटैदा भी तक भी तरह खोद का मुंदी बिसरे। एक माँ का दर्द देख रहे हो भाई साहब? नहीं देख रहे होगे, साथ समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक माँ का दर्द भाई साहब एक माँ ही जान सकती है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। बकायदा पंखे के नीचे अधिकारी साहब भी बैठे होंगे, एसी रूम में भी बैठे होंगे, तनिक देख लीजिएगा। महिला को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। पर बाराबंकी के लिए आदर्श रावत की रिपोर्ट, दमदार खबरें मिलती रहेंगे। माँ वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि भाई साहब कहा बोले।